हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी का लेटेस्ट अपडेट, जो आईपी मेंबर जो होते हैं उनके लिए लेटेस्ट आया, जो इंश्योरेंस पर्सन होते हैं उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया जो एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये हर जो इंश्योरेंस पर्सन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नया अपडेट आया अब इसको पहले हम पासवर्ड क्रिएट नहीं कर देते, पासवर्ड हमें बनाना पड़ेगा जैसे हम यूएन का कैसे बनाते थे। तो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के हमारे मिलते रहे। तो आप कोई भी अपने क्रोम ब्राउजर पर जाइए या अपने मोबाइल में कोई भी आपका जो गूगल है, जो भी कोई ब्राउजर उसमें ओपन किया, गूगल पर जाके आपको डालना है ESIC.in। ESIC का जो हमारी ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो आज का अपडेट आया है बहुत ही अच्छा अपडेट है, जिससे पहले इसमें आपका कोई भी आईपी नंबर डाल के अभी कोई भी लॉगिन एक्सेस करके आपकी डिटेल दे सकता था, जिससे आपके पर्सनल डिटेल आपको शेयर हो जाती थी। लेकिन अभी ESIC ने वो लेटेस्ट अपडेट चेंज कर दिया, आपके बिना कोई भी आपकी जो ESIC में जो आपकी डिटेल अपडेट है वो चेक नहीं कर सकते। तो आपको क्या जानना पड़ेगा, ESIC की जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो गई, तो आप दिखाई दे रहा आपको इंश्योरेंस पर्सन बेनिफिशियरी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने बाद में जो आपका जो इंश्योरेंस पर्सन है मतलब बेनिफिशियरी जो भी है उसका पोर्टल हो, जैसे अभी अपडेट ऐसा आ रहा है, पहले ओनली अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे, मैंने पहले आज वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें आपको ओनली ESIC नंबर डालना होता था और कैप्चर कोड डाल के आपका पूरा डाटा आपको कोई भी आपका चेक कर सकता। लेकिन अब आपके बिना नहीं कर सकता, आपको आपका यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फिर कैप्चर। तो हमारा ऑलरेडी अगर आपका नहीं बना होता, आपको बनाने के लिए आपको पहले इस पर साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में जो आगे का पोर्टल है वो एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए आपको डाटा, अगर आपको पासवर्ड जिसमें हमें बोलेगा कि आप साइनअप करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट आपका जो पास होने चाहिए इंश्योरेंस नंबर होने चाहिए, जिसे हम आईपी नंबर बोलते हैं, ESIC नंबर बोलते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। बाद में आपके डेट ऑफ बर्थ, जो आपके ESIC नंबर में जो आपके डेट ऑफ बर्थ अपडेट है वो आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट मोबाइल नंबर, आपके ESIC जो नंबर है उसमें आपके कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट है। फिर सेकंड है कैप्चर कोड जो आपके नीचे। तो ये जो पहले हमारा जैसे UN पोर्टल है वैसे ही सेम ESIC पोर्टल बनने वाला है, ऐसे ही पासवर्ड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो अपने इसमें ESIC नंबर एंटर कीजिए, ये 10 डिजिट का होता है, और ये आपको फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ वही आपको इंश्योरेंस मेंशन करनी है जो आपके ESIC नंबर अपडेट है। अगर आप करेक्ट डिटेल नहीं डालोगे तो आपका पासवर्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है कि हमें मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर इसमें कौन सा अपडेट है, जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर आपका OTP जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको फिर मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है, और फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना। इस पे आपको देखो OTP जा गया, चुका इसमें देखा वेरीफाई मोबाइल नंबर, OTP हैज बीन सेंट, योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लीज एंटर इन इट बिलो। तो इसमें OTP चला गया, OTP मोबाइल नंबर आपका मैक्सिमम 10 मिनट तक आपका वैलिड रहेगा, आपको 3 OTP है वो मैक्सिमम 3 टाइम तक रहेगा, अगर आप 3 टाइम अटेम्प्ट फेल हो जाते तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट 3 घंटे बाद में आपका आप कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है, आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसमें आपके पास OTP आएगा। अगर आपको मोबाइल में OTP नहीं आ रहा तो आपको चेक कीजिए मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें उसके हिसाब से आपको अपना करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, फिर नेक्स्ट आपको इसमें अपना OTP डाल देना है, आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर OTP आएगा 9542725। आपको फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई पर इंटर न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। तो आपको इंटर पासवर्ड आपको कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे मैं अपना पासवर्ड बना रहा हूँ। इसमें आपको जो फर्स्ट डिजिट होगा उसमें कैप्स में होना चाहिए, फिर एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और फिर लेटर डिजिट में होना चाहिए, जैसे आप कैप्स में ABC@123 आप ऐसे बना सकते हैं, और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली क्लियर क्लिक कर तो लॉगिन। तो हमारा जो पासवर्ड अपडेट है वो सक्सेसफुली हो गया। तो अब आपको पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ESIC नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये अपडेट आपको आप सभी को अपना पासवर्ड क्रिएट करना, आप अपना डाटा अपने सिवा कोई चेक नहीं कर सकता। तो ये सबसे अच्छा कर दिया प्राइवेसी के लिए, आपका पहले यार कोई डाटा आपका ESIC नंबर डाल के आपका डाटा चेक कर लिया जाता था, लेकिन अब आपके अलावा कोई भी डाटा आपका ESIC में क्या अपडेट है कोई भी चेक नहीं कर सकता। तो एक लेटेस्ट अपडेट है, तो ये अपडेट कैसा लगे आप जरूर बताइए। अब हम फिर हम लॉगिन करके चेक करते
देते हैं कि डाटा में हमें क्या क्या मिलेगा, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पर्सन नहीं, अपना ईएसआई नंबर डाल देना, फिर आप पासवर्ड में जो हमने भी पासवर्ड क्रिएट करा आपको पासवर्ड इंस्टॉल कर देना। तो ये जो हमारा पहले जैसा पोर्टल था ये ओपन हो गया, जिसमें पूरा नाम पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। फिर यहाँ पे देखो चेंज पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हो, पूरी डिटेल आएगी, स्टेटस क्लेम बेनिफिशियरी मैं ऑलरेडी सभी जो पॉइंट्स थे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे जाके आप कैसे कैसे पता करें आप पर्सन कर सकते हो, आपके इंश्योरेंस पर्सन डिटेल इंटाइटलमेंट टू बेनिफिट पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा, अपना पूरा बेनिफिट चेक कर सकते हैं, जो एबीआर जो क्लेम है वो आप अपना क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट कैसा लगे जरूर बताइए और लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिए, जिससे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।